हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकांक्षा और मैं आज आप लोगों के लिए एमएससी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, कीप योरसेल्फ हेल्दी। मीनिंग ऑफ गुड हेल्थ। गुड हेल्थ का मतलब क्या होता है? गुड हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि जो आपकी बॉडी है वो डिजीज़ फ्री है, रोग मुक्त है, जबकि एक हेल्दी बॉडी का मतलब होता है एक डिजीज़ फ्री, एक्टिव एंड स्ट्रांग बॉडी। एक बहुत ज़्यादा फैट बॉय यानी कि एक बहुत ज़्यादा मोटा लड़का और एक बहुत ज़्यादा पतला लड़का, वो दोनों ही एक हेल्दी बॉय नहीं कहलाते हैं। लोगों में एक गलत धारणा है कि केवल रोग मुक्त यानी डिजीज़ फ्री शरीर को एक हेल्दी बॉडी कहा जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। एक हेल्दी बॉडी के लिए, एक गुड हेल्दी बॉडी के लिए सहन शक्ति की भी आवश्यकता होती है। सहन शक्ति को कार्य करने की दक्षता के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का एक घंटे तक पढ़ाई या खेल कर सकता है, लेकिन दूसरा लड़का सिर्फ आधे घंटे में ही थक जाता है। तो पहले लड़के के बारे में कहा जाता है कि वह बात की तुलना में दूसरे वाले लड़के की तुलना में अधिक सहन शक्ति वाला है, यानी कि उसका स्टेमिना ज़्यादा है। इन द फॉलोइंग पिक्चर, कौन आपको सबसे ज़्यादा हेल्दी नज़र आ रहा है? वो लड़का जिसने एक घंटे तक कंटिन्यू वर्क किया या जो आधे घंटे में ही थक गया? ऑब्वियसली जिसमें ज़्यादा स्टेमिना है वो ज़्यादा टाइम तक वर्क कर सकता है। एडवांटेजेस ऑफ बीइंग हेल्दी। हैप्पी लाइफ जीने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो रिक्वायर्ड है वो है हेल्थ, और बिना गुड हेल्थ के हम हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते हैं। हम हमारी हेल्थ के बारे में तभी सोचते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब धन यानी वेल्थ चला गया तो कुछ चीज समथिंग चला गया, लेकिन जब लोग स्वस्थ होते हैं और स्वास्थ्य का लाभ होता है, लेकिन जब हेल्थी नहीं रही, हेल्थ इज़ गॉन, देन एवरीथिंग इज़ गॉन। आइए अब हम इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं गुड हेल्थ के। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें अपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए और पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव माइंड रिक्वायर्ड। गुड हेल्थ के लिए हमें पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव माइंड होना चाहिए, और ये एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि एक स्टूडेंट के पास एक अच्छा शरीर, एक अच्छी हेल्थ नहीं होगी तो वो अपने स्टडी में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है। इसी तरह से एक जो गुड हेल्दी बॉडी होती है वो सिर्फ स्टडीज़ में बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए ही रिक्वायर नहीं होती है, बल्कि गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है। और एक गुड हेल्थ इज़ नॉट ओनली नीडेड टू परफॉर्म बेटर इन स्टडीज़ और गेम, सिर्फ गेम्स और स्टडीज़ के लिए ही बेटर परफॉर्म करने के लिए गुड हेल्थ रिक्वायर नहीं होती है, जबकि एक हैप्पी लाइफ को जीने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए भी एक गुड हेल्थ की नीड होती है। हाउ टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी। इट इज़ रेडिकुलस टू से कि बहुत सारे लोग इम्पॉर्टेंस जानते हैं गुड हेल्थ की, लेकिन उसके बावजूद वो अपने जो हेल्थ है उसको लेके इग्नोर करते हैं। इसके अलावा हर कोई जानता है, एवरीबडी नोज दैट बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारी गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें हेल्प भी करती हैं और वो ज़रूरी भी होती हैं। और कुछ अदर ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो कि हमारे अच्छी हेल्थ को हार्म करती हैं और उन्हें स्पॉइल करती हैं, तो हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज़ ट्रूली सैड दैट हेल्थ इज़ वेल्थ। ये कहा जाता है कि हेल्थ ही वेल्थ है। फूड हैबिट्स, तो अब हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारी गुड हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं। फूड हैबिट्स यानी कि इम्प्रॉपर या गलत खान पान हमारे ख़राब सेहत का एक मुख्य कारण है। हम पहले से ही जानते हैं कि एक संतुलित आहार, एक बैलेंस्ड फूड जो होता है वो एक गुड हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस एडवाइस को फॉलो नहीं करते हैं। वो कुछ ऐसे फूड आइटम्स खा लेते हैं जिसका जो हमारे बॉडी है वो उन न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में गेन कर लेती है, जबकि जो कम्प्लीटली न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए उन न्यूट्रिएंट्स की कमी ला देती है। इस तरह बहुत सारी बीमारियों का शिकार होना पड़ता है, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस है, रिकेट्स है, बेरी बेरी है, एनीमिया है। इसलिए हमें इन सभी रोगों से बचने के लिए एक संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें विटामिन, प्रोटीन, खनिज सहित सभी पोषक तत्व शामिल हों, और कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन सबको एक निश्चित या एक प्रोपोर्शन में, एक निश्चित अनुपात में ही लेना चाहिए।
कार्बोहाइड्रेट और वसा के ज़्यादा क्वांटिटी में लेने से लोग मोटापे से पीड़ित होते हैं और इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, लकवा। इसी तरह से मोटापा एक आम समस्या बनती जा रही है और आजकल बच्चे भी बहुत सारी कैलोरी वाले जो भोजन होते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, समोसा, बर्गर आदि का सेवन करते हैं, जिससे मोटापे से छुटकारा नहीं मिल पाता है। और हमें एक उचित टाइम पर, यानी एक सही टाइम पर ब्रेकफास्ट या खाना खा लेना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी बीमारियां, जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, हेडेक है, इस तरह की बीमारियां होने की से भी हम पीड़ित रहते हैं। नेक्स्ट है आपके एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है गुड हेल्थ को बनाने के लिए, और गेम्स और स्पोर्ट्स एक सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है। Nowadays, most of the children spend their time either studies or watching television. आज के दिनों में बहुत सारे बच्चे सिर्फ अपने मोबाइल, टेलीविज़न देखने में या स्टडी में ही अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं, और उनकी जो ये हैबिट है वो धीरे धीरे उन्हें लेज़ी बनाती जाती है, आलसी बनाती जाती है। इसके अलावा कंप्यूटर पे गेम खेलना, टीवी देखना बहुत घंटों तक, उसकी वजह से उन लोगों को आँखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, आइज प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से हेडेक प्रॉब्लम होती है। इसकी बजाय बच्चों को बहुत सारे आउटडोर गेम्स में अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, इस तरह के बहुत सारे गेम्स खेलने चाहिए ग्राउंड में जा कर के, जिससे उनकी जो बॉडी है वो फिजिकली और मेंटली फिट रह सके और वो एक्टिव रह सके। एंटरटेनमेंट एंड रेस्ट। रिक्रिएशन एक बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है। बहुत घंटों तक बहुत ज़्यादा काम करने के बाद में हम थक जाते हैं, इस मोमेंट पर हमें एक मेंटल रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपने माइंड को रिफ़्रेश कर सकते हैं, जैसे कि गेम खेलकर, पिक्चर्स ड्राइंग करके, दोस्तों के साथ मिलकर के, टेलीविज़न देख करके, एट्सेट्रा। और रेस्ट भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह होती है, इसे भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। हमें डेली 8 घंटे की नींद हमारी प्रॉपर लेनी चाहिए, जिससे हमारा जो माइंड है और जो बॉडी है उसको कम्प्लीट रेस्ट मिल सके। क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जो क्लीनलीनेस है ना, जो सफाई है, कि अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारी हेल्थ को प्रभावित करती है। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो जर्म्स होते हैं वो डर्टी प्लेसेस पे ही ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है। तो हमें हमारी बॉडी को क्लीन रखना होगा और जो जर्म्स हैं उन्हें अवॉइड करना होगा। घर, स्कूल, सभी जगह को हमें नीट एंड क्लीन रखना होगा। इसके अलावा हमें जो हमारा फूड है उसे भी अच्छे बर्तनों में, क्लीन बर्तनों में स्टोर करके रखना होगा, और हमें अनकवर्ड फूड किसी भी शॉप से खरीद कर नहीं खाना चाहिए। सेफ्टी। कई बार हमें मेजर या माइनर एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ता है। एक्सीडेंट्स कभी भी और किसी भी टाइम हो सकते हैं, वो हमारे लापरवाही की वजह से, हमारे इग्नोरेंस की वजह से ही होते हैं। बहुत सारे लोग ट्रैफिक सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं और अपने डेस्टिनेशन पर, यानी अपनी जगह पर, मंजिल पर बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स कर जाते हैं कभी कभी, और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। तो ये बेटर नहीं है कि आप अपने डेस्टिनेशन पर थोड़ा लेट पहुँच जाएँ या सेफ पहुँच जाएँ, बेटर है। इसीलिए हम, यदि वो कहा जाता है दुर्घटना से देर भली, यदि आप लेट भी हो रहे हो तो आप थोड़ा लेट पहुँच जाएँ लेकिन सेफ पहुँचें। इसी तरह से कुछ बच्चे जैसे डेंजरस थिंग्स होती हैं, जैसे ब्लेड है, सीजर्स है, फायर है, इन सबसे खेलते हैं, जिसकी वजह से भी उनकी बॉडी को बहुत हार्म होता है, और उन सब के साथ खेलने की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। इसीलिए हमें एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, लापरवाह नहीं बनना चाहिए, और हमें जल्दी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें सेफ्टी रूल्स को हमेशा फॉलो करने चाहिए। द सोर्स ऑफ आवर इंस्पिरेशन। आपने हमारे डिफेंस पर्सनल यानी रक्षा कर्मियों को देखा होगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दूसरे लोगों के कंपैरिजन में ये अक्सर बीमार नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक पौष्टिक आहार, एक बैलेंस्ड फूड, संतुलित आहार लेते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, रोज़ एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा अपने शरीर को भी का भी बहुत ध्यान रखते हैं। हमारी बॉडी को हेल्दी रखना हमारा कर्तव्य है। अदरवाइज हमारी बॉडी हमारे मन को स्ट्रॉन्ग रखने में और क्लियर रखने में एबल नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।